खान साहब ने कहा कि मेरा आने का मकसद ये था कि मैं इदारों पे प्रेशर डाल सकूं कि जल्द इलेक्शन करवाएं। इदारे कह रहे हैं हमें सियासत से निकलने दो, खुद सियासत करो। खान साहब फिर उनको ड्रैग कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है आज की मूव के बाद नजर आ रहा है कि वो अभी फॉर द टाइम बीइंग तो उनको नहीं ला रहे। मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले ये दो तीन और मनूवर्स मैं ग्राउंड पर करूं, उसके बाद इदारों को बीच में लाएंगे। अभी देयर इज नॉट प्रेशर। अभी भी इदारे में देखिए, इदारे में तो खुद ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इदारा इस वक्त कोई चाहे या ना चाहे फैसला हो ही नहीं सकता। पुरानी जा रही है, चेंज हो रही है, तो दो तीन हफ्ते तो आप छोड़ देना चीज को। इदारा भी कुछ चाहे। ये कितना इंटरेस्टिंग है आपके लिए मोहम्मद मालिक साहब, माय लास्ट क्वेश्चन, कि इस मुल्क में बहुत सारे सियासतदान जो इस वक्त एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, वो इदारों की तरफ देखते रहे हैं, उनके पीछे चलते रहे, अचानक ऊपर से हाथ उठ जाए, उनका क्या बनेगा? आदत पड़ जानी चाहिए, जितनी जल्दी आदत पड़ जाए ना उतना ही अच्छा है कि अपने पे चले और इदारे को भी बीच से निकाले। लेकिन अभी लंबा वक्त है जी, अभी चाहेगा भी तो इदारा भी इतना डिसंगेज नहीं हो सकता। ये कहने की बात और है, होने की बात और है। अभी ग्राउंड रियलिटीज, इदारों के अपने इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंटरमिक्स हुए हैं विद द पॉलिटिकल लैंडस्केप। इतना वो भी खाली कहने से नहीं अलहदा हो जाता।